दो मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रॉम द चैप्टर वे ऑप्टिक्स, आई इसको रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय द हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ से बहुत सारी प्लेन वेव फ्रंट में से एक वेव फ्रंट ऐसे आती है एंगल आई पर टकराती है। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये वाला वेव फ्रंट अपने में से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट किया देखिए उसका डिस्टेंस थोड़ा छोटा है, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये हवा है, हवा में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है, स्पीड भी अलग होता है, इसलिए V1t, और ये जो डिस्टेंस है वो V2t, क्योंकि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। फिर ये पॉइंट पहुंचेगा, उसका वेव फ्रंट छोटा है, फिर उसका वेव फ्रंट छोटा, ऐसे करते करते हमने जब टेंजेंट खींचा तो मुझे नया पोजीशन मिल गया। अब इस ट्रायंगल का गेम देखिए, साइन आई लिखूंगा तो फिर मुझे मिल जाएगा V1t डिवाइडेड बाय दिस AB, अगर मैं साइन आर लिखूंगा तो V2t डिवाइडेड बाय दिस AB, दोनों को डिवाइड करिए तो V1 V2 बचेगा। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज C बाय V1, तो यहां से V1 और V2 निकलेगा, जैसे आप प्लेस करोगे तो यहां पर आ जाएगा स्नेस्टो, यानी स्नेस्टो प्रूफ हो गया, मतलब कि रिफ्रैक्शन ही है। जनरली रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपने लाइट को इंसिडेंट रेज जो होती है, नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रेज जो होती है अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, देखिए ऐसे आ रहा था इंसिडेंट, अभी थोड़ा सा ऐसे हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। इसी तरीके की फिजिक्स के फास्ट एंड फॉरवर्ड रिवीजन वीडियोस के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।